नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना की खबर के साथ। धनतेरस की रात पटना में तांडव मचाने वाले अपराधी अब पटना पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बता दें कि हथियार से लैस अपराधियों ने करीब 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटकर ज्वेलरी शॉप के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पटना SSP गरिमा मलिक ने इस पूरे कांड का खुलासा किया है। क्षेत्र में दिनांक 25/10/2019 को धनतेरस पर्व के दिन अपराध कर्मियों के द्वारा एक ज्वेलरी की दुकान में, सोना चांदी की दुकान में डकैती की गई थी। और डकैती के दौरान दुकान जिस कमरे में संचालित थी उसके मकान मालिक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील था और संवेदनशीलता देखते ही तुरंत SP पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया था। टीम के द्वारा निरंतर आसूचना संकलन, साक्ष्य संकलन और छापामारी की जा रही थी, जिसमें 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पावापुरी OP अंतर्गत सकरी नदी में स्नान करने गई 3 युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगी बहनें हैं, वहीं 5 और युवतियों को भी ग्रामीणों ने नदी में डूबने से बचा लिया। घटना की सूचना पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंच शव को बाहर निकाला। कार्तिक पूर्णिमा पर मुकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था, विश्वास और श्रद्धा की डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में लखीसराय, जमुई, नालंदा, नवादा, शेखपुरा जिलों से भी लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ कार्तिक पूर्णिमा की रौनक रही। मोतिहारी के घोड़ा सहन स्थित नेपाल भारत सीमा से होकर बढ़ रही तस्करी के मद्देनजर नेपाल के DIG के कड़े निर्देश के आलोक में 12 जिले के सिमरौनगढ़ से भारी मात्रा में विदेशी छुहाड़ा बरामद किया गया है। वहीं मौका पाकर तस्करी कर रहे छुहाड़ा को विशेष सूचना पर पथलावा घाट से बरामद कर लिया गया है। के एक निजी क्लिनिक में इंजेक्शन दिलवाने के बाद स्थिति गंभीर होने से बेहतर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल लाने के क्रम में एक युवक की मौत हो गई, जिसका नाम बमबम सिंह गजरा चातर निवासी बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा मधुबनी में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में नालंदा के अभिनव शशांक और रोहित राज के प्रोजेक्ट का चयन कर लिया गया है। कैरियर पब्लिक स्कूल के छात्र अभिनव शशांक ने गोबर से कागज के खिलौने जैसी उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ एक ऐसी अगरबत्ती का निर्माण किया है जो न केवल मच्छरों को भगाएगा बल्कि इसके धुएं में मच्छर को मारने की शक्ति भी है। मच्छरों पर किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ये काउ विद डील के साथ इन्होंने अगरबत्ती का निर्माण किया है। और जिस तरह से मच्छरों के बीच इसे जलाया जाता है तो मच्छर जो है भाग ही नहीं रहे हैं, मर जा रहे हैं। और मरने के साथ साथ अगर इनके इनोवेटिव प्रोजेक्ट को सरकार अगर और ऊपर तक लेकर के जाती है तो निश्चित रूप से जो भयावह बीमारी जैसे डेंगू, आज 60% लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। शहर में ही नहीं, हर जगह इनके मरीज मिल रहे हैं। तो इससे इनके प्रोजेक्ट के माध्यम से जो अगरबत्ती इन्होंने बनाया है वो काफ़ी लाभदायक होगा ऐसे बीमारियों से लड़ने के लिए। तो बहुत जरूर हमारे बच्चे ने उस रोपर का किस ढंग से बेहतर ढंग से उपयोग चाहे हुआ है, जो लेखन सामग्री के निर्माण में, अगरबत्ती के निर्माण में और अन्य चीज़ों में इसका किस ढंग से बेहतर उसका प्रोजेक्ट जो है उनका आज मतलब चयन हुआ है। आगे चलते अगर इनका प्रोजेक्ट सचमुच में अगर पूरे देश भर में इसको सराहा गया तो निश्चित रूप से रोबोट का एक अल्टरनेटिव रूप से किस तरह से बेहतर उपयोग हो सकता है उसमें एक नया जो है दिशा मिलेगा।
शराब के नशे में चार व्यक्ति द्वारा एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना पटना से सटे बीटा थाना के यमुनापुर गांव की है। वही महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बीटा थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। छेड़खानी करे लगल ना तब बोले लगली तब मारे लगल तब रोवे लगली। रोला के बाद में चारों भाई जुट के मारे लगल। कौन कहाँ के लोग थे? जमुनापुर। काहे मारे लगल? छेड़खानी करे लगल तो मारे लगल, हल्ला कर ली तो मारे लगल। और बाद में का होल कि सब भाई जुट के घर में मारे लगल। अकेले हाली रोने लगली तो कहलन कि रोबे तो जेबे थाना में तो तोरा जान से मार देबे। फागन बिघा ओपी के मोरा तालाब के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में पुलिस ने दोनों युवकों को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के बैग में मिले कागजात के आधार पर एक युवक की पहचान अनिशाबाद थाना इलाके के गर्दनीबाग निवासी राजकुमार और दूसरे युवक की पहचान भागलपुर निवासी पुष्पम कुमार के रूप में की गई है। 21 का मोरा का में हुआ है। ये क्या चीज से था? ये लोग बाइक से थे। ये लोग बाइक से थे। अभी नाम पता चला है कि नहीं? दीपनगर थाना इलाके के चोरा बगीचा राणा बिघा मोड़ के समीप बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। जख्मी हालत में युवक को स्थानीय लोगों की मदद से बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। वही थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व के विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। आएगा पहले जिंदगी बचेगा तभी है ना पुलिस है जी। क्या सर? कार्तिक पूर्णिमा को लेकर नालंदा के विभिन्न नदियों और तालाबों में स्नान करने वाले महिला और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। सबसे ज्यादा भीड़ कोसुक के पंचाने नदी में देखने को मिली, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु नदी में पवित्र स्नान कर भगवान की पूजा अर्चना की। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा SDRF की टीम के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। भगवान कृष्ण जब राजगीर जा रहे थे जरासंध का वध कराने की, तो उस वक्त इसी पंचान नदी में स्नान किए थे। उस दिन से ही इस नदी का नाम, स्थान का नाम हरिहर गोविंद क्षेत्र पड़ा। और प्रत्येक कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन इसमें लोग स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। स्नान करने आए हैं गंगा पूर्णिमा के दिन भी, ताकि कुछ पवित्र हमको भी मनोकामना फल मिले। तो कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से क्या होता है? लोग की मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मनवांछित फल मिलता है, इसलिए हम आए हैं। स्नान कर लिया आपने? जी। उधर कुर्था के स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के राम रतन उच्च विद्यालय स्थित तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया है। बता दें कि मृतक दो दिन पूर्व से ही अपने रूम से गायब बताया जा रहा था। परिजनों ने उसके खोजबीन की, परंतु कहीं उसके होने की जानकारी नहीं मिली। वहीं उस युवक का शव अब तालाब से बरामद किया गया है। वहीं घटना के सूचना पर कुर्था थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अरवल भेज दिया है। बच्चा गए कब से गायब था, कैसे आपको पता चला? रात है, कल की रात से गायब है। हाँ, गाँव लड़का था तब उनका सब बस कर लिया है। अच्छा, तो क्योंकि उनका भाई का मार देंगे, थाना घेराल हुआ है सामने से, 7 बजे थाना में से भी है। अच्छा अच्छा, वो क्या करता था? पढ़ता था, फिर आते थे 9-10 मिनट लेकिन के पढ़ाता था। अच्छा, तो मैंने कल ये घटना कल की है क्या, पहले का? नहीं, कल के है। कल का है? अब आप बिहार न्यूज TV को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।